देखिए, परीक्षा पे चर्चा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 से प्रारंभ की और मेरा सौभाग्य है क्योंकि मैं सांसद हूँ और ये प्रतियोगिता कराने के लिए सांसदों के लिए माननीय प्रधानमंत्री प्रेरित किया था और मैंने सहर्ष स्वीकार किया और मुझे खुशी है आज HP इंटरनेशनल स्कूल में हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक उनके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। क्योंकि आयोजन पूरी तरह से गैर राजनीतिक था तो इसीलिए हमने कह दिया था कोई पार्टी का फोटो नहीं, कोई पार्टी का नाम नहीं, कोई कमल का फूल नहीं, केवल और केवल ये मोदी जी की इच्छा है कि बच्चों में परीक्षा पे चर्चा ये पार्ट वन कार्यक्रम है। और पार्ट वन में हमारे बदायूं जिले से हमने 30 स्कूल आमंत्रित किए थे जिसमें से 27 स्कूल के बच्चे यहाँ पर आए और सुबह से बच्चे आर्ट, पेंटिंग, विज्ञान क्विज और ऊपर से खेल प्रतियोगिता, इसी में बच्चों ने भाग लिया है। अभी मैंने संबोधन भी किया है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो बुक है, पुस्तक है, मैंने 600 बुक यहाँ पर बंटवाने का काम किया था। कुछ बच्चों को नहीं भी मिली है, उनको मैंने कहा है कि मैं उनको भिजवाऊँगा। उन बुक में विशेष तौर से पढ़ने से बहुत कुछ मिलता है, लेकिन 28 प्रकार के टिप्स इस प्रकार के हैं जो छात्र छात्राओं के लिए हैं। 6 प्रकार के टिप्स मैंने ऐसे देखे जो गार्जियंस के लिए बहुत कुछ है। तो बच्चों के लिए, उन्हें करियर के लिए ये प्रतियोगिता मुझे लगता है एक वरदान साबित होगी और बच्चों में जो एक एग्ज़ाम को लेकर के फीवर सा आ जाता है, तनाव रहता है, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं एग्ज़ाम होगा। तो माननीय प्रधानमंत्री का कहना है इसको हम त्यौहार की तरह से और जब हम फेस्टिवल की तरह से मनाएंगे तो फेस्टिवल आने से पहले जैसे खुशी होती है ऐसे ही एग्ज़ाम के आने से पहले खुशी होगी और हमें एक ईमानदारी से परीक्षा को भी दे पाएंगे। और आज ये बच्चे जो आज छात्र छात्राएँ हैं ये देश के भविष्य हैं, तो देश के भविष्य के लिए इनको अभी से प्रेरित करना और किस प्रकार से इनको टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, किस प्रकार से अपने गार्जियंस के साथ, टीचर्स के साथ सामंजस्य बैठा करके सन स्वभाव से अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। लक्ष्य एक बार तय कर ले उसे हमें पीछे नहीं हटना है। तो बहुत सारे विषयों पर आज हमने चर्चा की है और चूँकि जूरी कमेटी जो हमने बनाई थी वो अभी परिणाम देकर आ रही होगी, उसमें से हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड बच्चों के लिए अलग से इनाम दिए हैं। उनमें शेष टॉप 10 बच्चे उसके बाद में हैं, उनको हमने सर्वश्रेष्ठ का प्रमाण पत्र और उनके लिए अवार्ड देने का काम किया है। और साथ ही साथ हमने 25 जो बच्चे हैं उनको श्रेष्ठ प्रसाद के रूप में उनके लिए हमने अवार्ड और सर्टिफिकेट देने का काम किया है। और बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए भी इसमें प्रतियोगिता में भाग लिया है, प्रतिभागी होने के नाते उनको भी प्रमाण पत्र देने का काम करेंगे जिससे बच्चे अपने घर पर ले जा सके, लेमिनेशन करा के हमारे प्रधानमंत्री की आयोजित की हुई परीक्षा में उन्होंने प्रतिभा किया है इसमें वो भी लेकर जाएंगे। बच्चे यहाँ पर खुशी खुशी परीक्षा दिए हैं और अभी परिणाम आने वाले हैं, उसके बाद उनको प्राइज़ देंगे। प्राइज़ देने के बाद ये लगता है कि आज का जो कार्यक्रम है बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। और हमने बच्चों से अपेक्षा की है जितने बच्चे स्कूल से नहीं भी आए हैं अपने अपने स्कूल में जा करके उनको प्रेरित करने का काम करेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक बैठे हैं उनसे मैंने कहा है और जो हमारे 27 कॉलेज के प्रिंसिपल आए हैं उनके साथ बैठ करके भी इस पर हम चर्चा करेंगे और इस अभियान को इसे प्रेरणा लेकर के कैसे बच्चों के भविष्य में हम सहयोगी बन सकते हैं ये प्रयास हमारा रहेगा।